was always very apprehensive about filing my returns because I always found that you have to waste a lot of time and effort in running around the respective CA or tax consultant to get your tax returns filed. During this course, I used to always also approach my colleagues to file it for me. And I thought like I'm bothering them all the time to file my returns at the end of the year, which I was not very comfortable. जब पहले tax filing होती थी तो traditional way से होती थी जहाँ पर बड़ी जटिलताएँ थी, दोस्तों के साथ मिलजुल के जो columns होते थे वो भरे जाते थे और फिर बाद में 10-15 दिन लगते थे इन सब चीज़ों के लिए, और बाद में खुद जाके जो manual जाके वहाँ पर submit किया जाता था. The biggest apprehension was understanding what does the terms mean, you know, am I doing it right? तो जब भी मुझे पता चला कि अभी ऑनलाइन भी होता है और ऑनलाइन करने के लिए मैंने कुछ वेबसाइट्स रेफ़र किए और मैंने देखा कि उसमें सपोर्ट नहीं था, फॉर्म दे दिया करते थे वो लोग और हर एक वेबसाइट और अपने आप फॉर्म 16 को पढ़ के समझ के फिर उसमें फील्ड्स एंटर करने पड़ते थे. फिर मैंने मेरे दोस्त से सुना H&R ब्लॉक के बारे में कि जो ऑनलाइन और फ़ोन सपोर्ट यानी चैट सपोर्ट और फ़ोन सपोर्ट भी देते हैं और विथ नॉमिनल कॉस्ट या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड व्हाट इम्प्रेस मी वाज दैट यू ऑल वर H&R ब्लॉक वर इनटू दिस फॉर द पास्ट 60 इयर्स आई थिंक. बट ऑफ कोर्स H&R ब्लॉक साउंडेड फेमिलियर टू मी बिकॉज़ आई हैव सीन योर ऑफिसेस इन पुणे at Dhole Patil Road, which is a huge office, and that is where you know the familiarity hit me. पहले Google में सर्च किया एक दो साइट्स वाले, इसमें जब फर्स्ट स्टेप में जाते थे तो फर्स्ट स्टेप के बाद दूसरी स्टेप आती थी तो वो बड़ी होती थी तो वहाँ से वापस आ जाते थे. HR ब्लॉक्स में गया जो फर्स्ट था ई फाइलिंग के स्टेप में जब, तो नेक्स्ट आते गए तो ये थोड़ा सिंप्लीफाइड लगा बहुत सारी चीज़ें. इसमें सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप करके एग्जिट हो गए, रेस्ट में आगे नहीं बढ़ पाए. You know, the best feature about the application online tool was, you know, the tool understands what kind of queries you might have, okay? And it simplifies those for you. So it won't tell you that you need to, you know, go and upload Form 12 and just write what is there. But they understand that when I say something, you know, the person in front would be lost. They'll tell you it is on the second page, third row, or this is where you need to go and check. So those things made it pretty easy. And at each step, when you went ahead, it asked you questions, the simple questions. Do you have a house? How much rent are you paying? And, you know, if the rent is this much, okay, how much you need to, you know, how can you save? So those kind of, you know, questions on a step-to-step basis, you know, was really, really good. I mean, your English is very, very simple to also understand because there may be some people who are not able to understand. So very clear English, simple and easy to understand. So that helped me easily also to file my return with H&R. The second time when I did it, I could do it within 10 to 12 minutes. Not more than 12 minutes to be precise. तो मैंने ऑलरेडी मेरे दो तीन फ्रेंड्स को तो बताया है, उन्होंने भी देखा वेबसाइट, एक ने लास्ट ईयर यूज़ भी किया है, तो इवन दे फेल्ट कि काफ़ी इजी है. मीन्स इससे पहले उन्होंने खुद से भी किया था बट विदाउट एनी सपोर्ट, एंड देन देर इज़ ऑलवेज दिस फियर फैक्टर कि बाबा मैंने कर तो दिया है बट आई डोंट नो वेदर आई हैव डन इट राइट और नॉट. एस्पेशली जैसा है कि एवरी ईयर कोई ना कोई नया आता है जो पहली टाइम टैक्स फाइल कर रहा है, सो उनको ये हमेशा एक एम्बिग्यूटी, एक काइंड ऑफ यू नो फियर फैक्टर या एंजाइटी रहती है कि कैसे करे, क्या करे, कहाँ पे क्या डाले, क्या फॉर्म कैसे भरे, कैसे अपलोड करे. सो मैं ऑलवेज उनको H&R ब्लॉक रेकमेंड करूँगा. मैं H&R ब्लॉक रिकमेंड करूँगा दोस्तों को, मैं पास्ट में भी करते आया हूँ और आगे भी करूँगा. इसका जो वाव एक्सपीरियंस है, जो सिंप्लिसिटी है और जो कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी बनाते हैं, वो एक्सपीरियंस मैं सारे मेरे जो प्रोफेशनल सर्कल्स हैं उन सब फ्रेंड को शेयर करूँगा. डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड टू एवरीबडी. कंसिडरिंग आई वर्क फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज टीम इन माय ऑर्गेनाइजेशन, हूएवर कम्स टू मी विद दीस काइंड ऑफ क्वेरीज और द बिजनेस व्हिच आई सपोर्ट, व्हेनेवर दे कम टू मी विद दीस काइंड ऑफ क्वेरीज राइट यू नो एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन दे हैव टू फाइल द टैक्सेस, आई ऑलवेज टेल देम दैट यू गो टू H&R ब्लॉक, दे विल डू इट फॉर यू एंड यू डोंट हैव टू कॉल अप एनीबडी, एंड इवन इफ यू नीड सपोर्ट देयर इज चैट सपोर्ट अवेलेबल. So a lot of them have been doing it. My colleagues, I have referred it to my colleagues. They have been doing it.
the best feature which sells your whole idea is how intuitive it is and the right questions it asks at each and every stage.